हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं दी वर्ल्ड अनसीन मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी 2007 में रिलीज हुआ था और इस मूवी को IMDb से 6.6 रेटिंग्स भी मिले हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है शमीम शरीफ ने और ये मूवी ड्रामा और LGBT पर बेस्ड है। पर स्टोरी बताने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। मूवी की शुरुआत होती है 1952 में साउथ अफ्रीका की केप टाउन में, जब अमीना कैफे की काम कर रही थी जिसका नाम है लोकेशन कैफे। तभी पुलिस आते हैं और एक फ्लावर टॉप तोड़ देते हैं, तो अमीना बहुत गुस्सा हो जाती है लेकिन वो उनको कुछ नहीं कह सकती थी। तो ऑफिसर स्टीवर्ट अंदर जाता है और जैकब से कहता है कि कार में उसके कलीग्स हैं और उसको प्रॉब्लम है खाना खाने में काले लोगों के साथ। और तब का दौर ऐसा था कि गोरे लोग काले लोगों के साथ खाना नहीं खा सकते थे और काले लोग गोरे लोगों के साथ शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो कानूनी तरफ से अपराध था और अगर ऐसा हुआ और पुलिस ने देख लिया तो सबको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन लोकेशन कैफे में सब मिलके खाना खाते थे, तो ऑफिसर स्टीवर्ट वहाँ पे कुछ काले लोगों को खाना खाते हुए देखते हैं, तो वो उनसे पासपोर्ट मांगते हैं चेक करने के लिए। तो अमीना ऑफिसर से कहती है कि उनके पास पासेस है और कैफे में कोई गोरा इंसान नहीं है, लेकिन स्टीवर्ट फिर भी चेक करते हैं। तभी एक और ऑफिसर आता है और गोली चलाने लगता है जिससे सब डर जाते हैं। तो वो सबको धमकी देता है कि वो काले लोगों को मार देगा क्योंकि उसे काले लोग पसंद नहीं है। तो ऑफिसर स्टीवर्ट उसे लेके कैफे से चला जाता है। तो पुलिस के जाने के बाद जैकब एक लेडी के पास जाता है और उस लेडी की नाम है मैडलिन स्मिथ और वो एक पोस्ट ऑफिस में काम करती है। तो जैकब उसे खाने के पैसे देने के लिए मना करता है, लेकिन मैडलिन उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि जैकब ने उसको पुलिस से बचाया था क्योंकि वो गोरी थी और काले लोगों के साथ खाना खा रही थी। तो मैडलिन जैकब से पूछती है कि वो अमीना की बिजनेस पार्टनर है या नहीं। अब जैकब वो कैफे अमीना के साथ पार्टनरशिप में चलाता था, लेकिन जैकब फिर भी मैडलिन से कहता है कि वो बस अमीना के लिए काम करता है क्योंकि तब पार्टनरशिप में काम करना इलीगल था। उसके बाद जैकब और मैडलिन एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर जैकब वहाँ से चला जाता है और अमीना देखती है कैफे में उसका ग्रैंड मदर का फोटो फ्रेम टूट गया है उस गोली से जो पुलिस ऑफिसर ने चलाया था। तो अमीना बहुत सैड हो जाती है, तो जैकब उसे न्यू फ्रेम लेने के लिए बोलता है और उससे पूछता है क्या वो ठीक है या नहीं। तो अमीना कहती है कि वो ठीक है और अमीना जैकब को कस्टमर से फ्लर्ट करने के लिए मना करती है। यह बोल के अमीना वहाँ से चली जाती है और जैकब मुस्कुराता रहता है क्योंकि उसको मैडलिन बहुत पसंद था। कहानी में आगे दिखाते हैं मिरियम को, जो एक हाउसवाइफ थी। उसके दो बच्चे थे, सैम और यास्मीन, और वो प्रेग्नेंट भी थी। तो वहाँ पे सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी ओमर यानी मिरियम का पति बताता है कि कुछ महीनों में वो सब एक नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। ये बोल के ओमर ऑफिस चला जाता है। तो मिरियम जब अपने घर में काम कर रही थी तभी फारा आती है, और फारा ओमर के भाई यानी सैड्रू की बीवी है। तो फारा मिरियम को लोकेशन कैफे लेके जाती है जहाँ मिरियम पहली बार मिलती है अमीना से, और अमीना उसे कोक सिस्टर्स यानी एक तरह का डोनट खिलाती है और वहाँ से चली जाती है। तब फारा मिरियम को बताती है कि अमीना लड़की जैसी नहीं है, वो लड़कों की तरह है और कोई भी लड़की अमीना के जैसे कपड़े नहीं पहनती है। लेकिन मिरियम ये बात नहीं मानती है, उसको लगता है अमीना एक बिजनेस वुमेन है तो उसको ट्राउजर्स और शर्ट में काम करने में आसानी होगी, इसलिए वो पहनती है। ये बोल के मिरियम अमीना को देखती रहती है और जब अमीना उसको देखती है तो मिरियम अपनी आंखें चुरा लेती है। अगले दिन ओमर मिरियम और अपने बच्चों को लेके जाता है शहर से दूर विलेज में रहने के लिए, और ये डिसीजन ओमर का था। उसने मिरियम से एक बार पूछा भी नहीं कि वो विलेज में रहना चाहती है या नहीं। तो मिरियम शहर से दूर विलेज में खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ओमर को कुछ नहीं कहती है। और कैफे में अमीना अपनी ग्रैंड मदर को देखती रहती है क्योंकि अमीना अपनी नानी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। कहानी में आगे मिरियम को बच्चा होने वाला था, तो फारा ओमर के घर आती है हेल्प करने के लिए। एक तरफ जब मिरियम अपने बच्चे को पैदा कर रही थी, दूसरी तरफ ओमर फारा के साथ रोमांस कर रहा था। फिर बेंजामिन यानी दाई माँ आके ओमर को बताती है कि वो फिर से पापा बन गए हैं। तो ओमर उनसे पूछता है लड़का हुआ है या नहीं। तो बेंजामिन बताती है कि एक सुंदर लड़की हुई है। ये सुन के ओमर सैड हो जाता है। कहानी में आगे दिखाते हैं अमीना की दादी को, जो साउथ अफ्रीका आई थी अमीना की शादी कराने के लिए, और उनको पसंद नहीं था बिल्कुल अमीना बाहर जाके काम करे। वो चाहती थी अमीना घर पे रहे और घर का काम करना सीखे। तो घर जाते ही अमीना की दादी अलीस को इनवाइट करते हैं उनके लड़के से अमीना की शादी कराने के लिए। तो रात को जब अमीना काम करके घर आती है तो वो देखती है उसे देखने के लिए लड़के आए हैं।
तो वहाँ पे लड़के की माँ अमीना से पूछती है कि उसे कितने बच्चे चाहिए। तो अमीना कहती है उसे 2 या 3 बच्चे चाहिए। तो वो लड़का अमीना से पूछता है क्या उसे बॉय चाहिए। तो अमीना कहती है नहीं, उसे बस एक हेल्दी और हैप्पी बच्चा चाहिए, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। और ये बात लड़के वालों को पसंद नहीं आता है। तो अमीना की दादी अमीना को चुप कराती है और सबको खाना खाने के लिए बोलती है। अगले दिन ओमर मीरियम को एक लेटर दिखाता है और बताता है अगले हफ्ते वो सब केप टाउन जा रहे हैं उमर की बहन रहमत और उसका पति जेम्स से मिलने के लिए। ये बोल के ओमर लेटर वहाँ पे रख के चला जाता है सोने के लिए। अब क्योंकि मीरियम को रहमत के बारे में कुछ भी पता नहीं था तो वो सोचती है लेटर पढ़ने के लिए, लेकिन तभी ओमर आता है और वो लेटर मीरियम से लेके चला जाता है। कहानी में आगे ओमर अपनी फैमिली को लेके सेड्रू के घर जाता है वहाँ पे अपनी बहन रहमत से मिलने के लिए। तो वहाँ पे जब सब बात कर रहे थे तो ओमर रहमत पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि रहमत ने जेम्स से शादी किया है जो कि एक गोरा इंसान है। अब क्योंकि तब मिक्स मैरिज इल्लीगल था तो ओमर रहमत को समझाता है कि उन दोनों को जेल हो सकता है, लेकिन रहमत उसकी बातें नहीं सुनती है। और वहाँ पे मीरियम को पता चलता है ओमर और रहमत ट्विंस है। और मीरियम को रहमत के बारे में ओमर ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन फरा को सब पता था। ये देख के मीरियम बहुत सैड हो जाती है। तो वहाँ पे रहमत लोकेशन कैफे जाने के लिए बोलती है सबको। तो मीरियम, रहमत, ओमर और जेम्स जाते हैं लोकेशन कैफे और वहाँ पे सब अमीना को डांस करते हुए देखते हैं। तो रहमत अमीना की तारीफ करती है क्योंकि अमीना एक बिजनेस चला रही थी कम उम्र में, लेकिन ओमर को ये पसंद नहीं आता है। तो वो सबको बताता है कि अमीना ब्लैक पार्ट की है क्योंकि अमीना की नानी बेगम एक बदतमीज औरत थी और उन्होंने अफ्रीकन से भी पंगा लिया था। ये सब सुनने के बाद भी रहमत अमीना की साइड लेती है। तो ओमर और रहमत लड़ते रहते हैं और अमीना और मीरियम एक दूसरे को देख के मुस्कुराते रहते हैं। एक तरफ जैकब जाता है पोस्ट ऑफिस कुछ भेजने के लिए, जहाँ पे गोरे लोगों के लिए अलग जगह था और काले लोगों के लिए अलग। अब क्योंकि गोरे लोगों का जगह खाली था तो मेडेलिन जैकब को वहाँ पे आने के लिए बोलती है। तो जैकब वहाँ जाता है और दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन कहीं जा नहीं सकते थे उस लॉ के वजह से। और दूसरी तरफ अमीना मीरियम के लिए टी लेके जाती है, जहाँ अमीना रहमत को बताती है कि वो साउथ अफ्रीका को इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो वहाँ पे फ्री है और इस फ्रीडम के लिए उसने बहुत लड़ाई किया है। तो रहमत बताती है कि उसने भी बहुत लड़ाई किया है जेम्स से शादी करने के लिए। ये सब सुन के ओमर उठ के चला जाता है। तो अमीना मीरियम से पूछती है उसको कोक सिस्टर्स अभी भी पसंद है या नहीं। तो मीरियम कहती है उसको अभी भी पसंद है। तो अमीना मीरियम के लिए कुछ कोक सिस्टर लाने ही वाली थी कि तभी ओमर आता है और अमीना को उसके घर के पीछे एक वेजिटेबल गार्डन बनाने के लिए कहता है ताकि वो वेजिटेबल खाने के साथ साथ उसको बेच भी सके अपने शॉप में। तो अमीना गार्डन बनाने के लिए राजी हो जाती है और अगले दिन सुबह 7 बजे आने के लिए बोलती है और ये सुन के मीरियम बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन अमीना जब मीरियम के घर जाती है तो ओमर अमीना को अपना गार्डन दिखा के अपने काम पर निकल जाता है और मीरियम अपने बच्चों को स्कूल बस के लिए छोड़ने आती है बाहर और वो अमीना को देख के बहुत खुश हो जाती है। फिर मीरियम घर जाते हुए अमीना को देखती रहती है। कहानी में आगे मीरियम अमीना के लिए खाना बनाती है। तो जब मीरियम अमीना को खाना देने जाती है तो अमीना बताती है कि उसे खाना बनाना नहीं आता है। ये सुन के मीरियम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि अमीना एक कैफे चलाती है। तो अमीना बताती है कैफे में जो भी खाना बनता है वो सब जैकब की रेसिपी है। तो मीरियम उसे खाना बनाना सीखने के लिए कहती है क्योंकि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो खाना नहीं बना पाएगी। तो अमीना बताती है कि वो किसी को ढूंढेगी जो उसके लिए खाना बना सके। ये सुन के मीरियम चले जाने वाली थी लेकिन अमीना उसे रोकती है और उसके साथ खाना खाने के लिए बोलती है ताकि वो मीरियम को अच्छी तरह जान सके। तो मीरियम बताती है कि वो एक हाउसवाइफ है और एक माँ है। तो अमीना उससे पूछती है क्या एक हाउसवाइफ होने का मतलब ये है कि उनके अंदर कोई फीलिंग्स या तमन्ना नहीं होते हैं। और अमीना ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो समझ गई थी कि मीरियम की लाइफ ऐसी ही है जहां वो सिर्फ घर का काम करती है और बच्चों का ख्याल रखती है। तो अमीना की बातें सुन के मीरियम को बहुत बुरा लगता है और अमीना को बताती है कि वो पहली इंसान है जिसने उसको देख के स्माइल किया था कैफे में, जिससे वो बहुत खुश हुई थी। ये बोल के मीरियम सैड होके वहाँ से चली जाती है। तो अमीना को बहुत बुरा लगता है। फिर अमीना को काम करते करते शाम हो जाती है। अपना काम खत्म करके अमीना मीरियम को एक पोएट्री बुक देती है लेकिन मीरियम बुक लेने से मना कर देती है। तो अमीना उससे पूछती है क्या उसे पढ़ना पसंद नहीं है। तो मीरियम बताती है कि उसे पढ़ना बहुत पसंद है, वो पहले बहुत किताबें पढ़ती थी
जो धीरे धीरे छूट गया। फिर अमीना वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन मरियम उसे रोकती है। तो अमीना उसे समझाती है कि वो ड्राइविंग करके जा सकती है, लेकिन मरियम उसे रुकने के लिए बोलती है क्योंकि बहुत रात हो गया था और विलेज से शहर जाना उसके लिए सुरक्षित नहीं था। फिर मरियम अपनी बेटी को सुला के आती है अमीना के पास और उसको घर के अंदर जाने के लिए बोलती है, लेकिन अमीना उससे पूछती है कि उसका पति कहाँ है। तो मरियम उसे कहने वाली थी कि उसका पति फरा के साथ है, लेकिन नहीं कहती है। मरियम उसको बताती है उमर उसके भाई के यहाँ रुकेगा। फिर अमीना खाने की तारीफ करती है जो मरियम ने बनाया था। उसके बाद अमीना घर के अंदर जाती है। कहानी में आगे रात को मरियम को नींद नहीं आती है तो वो किचन में जाके टी पीती है। तभी वहाँ पे अमीना आती है और मरियम को बताती है कि उसे भी नींद नहीं आ रही है, तो वो भी उसके साथ टी पीती है। वहाँ पे अमीना मरियम से पूछती है कि वो साउथ अफ्रीका कब आई थी। तो मरियम बताती है कि वो 7 साल पहले साउथ अफ्रीका आई थी जब उसकी शादी हुआ था। फिर मरियम उससे पूछती है क्या उसने कभी शादी या बच्चा पैदा करने के बारे में सोचा है। तो अमीना बताती है कि उसने ऐसा नहीं सोचा है क्योंकि अमीना दोनों काम एक साथ करना चाहती है, घर का काम और बाहर का काम। लेकिन उस जमाने में ऐसा हर लड़की नहीं सोचती थी। ये सुन के मरियम उससे पूछती है कि उसने ऐसे सोचना कहाँ से सीखा है। तो अमीना बताती है उसने ऐसा सोचना अपनी ग्रैंड मदर बेगम से सीखा है। तो मरियम उससे पूछती है जिसके पिक कैफे में थी। तो अमीना बताती है उसकी ग्रैंड मदर साउथ अफ्रीका में रहती थी, लेकिन उनको इंडिया भेज दिया गया था और उसने इस बारे में सुना होगा किसी की भर्सन की स्टोरी। ये सब सुन के मरियम बेगम की रियल स्टोरी सुनना चाहती है अमीना से। तो अमीना उसे बताती है कि क्यों उसकी नानी उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। फिर वो अपनी नानी की पास्ट की स्टोरी बताती है, जो 19 साल में ही एक बच्चे की माँ बन गई थी, लेकिन एक दिन एक अफ्रीकन ने उनका रेप कर दिया था और शर्म और अपमान के डर से उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताया। लेकिन जल्दी ही वो प्रेग्नेंट हो गई और अमीना की माँ पैदा हुई, और ये बात उनके ससुराल वालों को पता चल गया था तो सब मिल के अमीना की नानी को बहुत मारा था। तो बेगम का पति उनको एक ट्रेन में रखा उनके बच्चे के साथ ताकि वो बॉम्बे चले जाए। फिर ट्रेन जब चल रही थी तो बेगम का पति उसके बच्चे को छीन लेता है बेगम से, क्योंकि उसमें उसका खून था। और बेगम तब कुछ नहीं कर पाई क्योंकि ट्रेन में एक छोटी सी बच्ची थी और ट्रेन तब चल रही थी तो वो उसे छोड़ के उसको लेने नहीं जा सकती थी। तो बेगम रोते हुए अमीना की माँ को लेके ऐसे ही चली जाती है इंडिया, और इसलिए बेगम अमीना को वार्न करती थी मैरिज के बारे में। और ये स्टोरी सुन के मरियम इमोशनल हो जाती है और अमीना से पूछती है क्या वो इसीलिए शादी नहीं कर रही है। तो अमीना उसे बताती है कि सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, यानी अमीना लेस्बियन है, लेकिन ये बात वो मरियम को नहीं बताती है। लेकिन मरियम ये समझ जाती है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मरियम की बच्ची रोने लगती है, तो अमीना उसको अपने बच्ची के पास जाने के लिए बोलती है। अगले दिन सुबह मरियम लेट उठती है तो वो जब बाहर जाती है वो देखती है अमीना ने उसके बच्चे को तैयार कर दिया था स्कूल के लिए। तो सैम और यास्मीन मरियम को बताते हैं अमीना ने उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। ये सब सुन के मरियम बहुत खुश हो जाती है। फिर अमीना सैम और यास्मीन को स्कूल बस में छोड़ के आती है। फिर वो मरियम से पूछती है क्या उसने उसको परेशान किया था वो सब स्टोरी सुना के पिछले रात। तो मरियम बताती है कि उसने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर अमीना गार्डनिंग की काम करती है। रात को मरियम वो पोएट्री बुक पढ़ती है तो उमर उसे बताता है कि वो बहुत टायर्ड है क्योंकि वो बहुत बिजी था। तो मरियम उससे पूछती है उसके साथ। अब मरियम ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि उसको पता था उमर और फराह के अफेयर के बारे में। लेकिन जब उमर उससे पूछता है कि उसने क्या बोला तो मरियम उसे कुछ नहीं बताती है। फिर उमर सो जाता है। अगले दिन मरियम वो पोएट्री बुक पढ़ती रहती है, लेकिन तभी पुलिस आते हैं और मरियम से रहमत के बारे में पूछते हैं क्योंकि रहमत ने मिक्स मैरिज किया था जो कि इल्लीगल था, और ये पुलिस को पता चल गया था तो लॉ के अनुसार उसको जेल होगी। लेकिन मरियम पुलिस को कुछ भी नहीं बताती है। तभी स्कूल से मरियम के बच्चे आते हैं तो पुलिस सैम और यास्मीन को पुलिस वैन में रख देते हैं मरियम से रहमत का पता जानने के लिए। तो मरियम अपने बच्चों को बचाने के लिए पुलिस को बता देती है कि रहमत केप टाउन में है उमर के भाई के घर। तो पुलिस मरियम के बच्चों को छोड़ देते हैं। रात को रहमत जाती है लोकेशन कैफे और अमीना से हेल्प मांगती है। तो अमीना रहमत की हेल्प करने के लिए मना कर देती है, लेकिन फिर उसे बाहर ले जाके कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। अब क्योंकि कैफे में बहुत सारे कस्टमर्स थे तो इसलिए उसने ऐसा कहा। फिर अमीना रहमत को लेके कैफे के एक रूम में जाती है और उसे वहाँ पे छुपा देती है। और पुलिस जाते हैं फरा के घर और उससे पूछते हैं रहमत कहाँ है। तो फरा बता देती है रहमत लोकेशन कैफे गई है।
फिर पुलिस लोकेशन कैफे आते हैं और जैकोब से पूछते हैं रहमत वहाँ पे है या नहीं, पर जैकोब उनको कुछ नहीं बताता है। फिर पुलिस अमीना को ढूंढते हुए कैफे की उस रूम में जाते हैं और उस रूम में हर जगह ढूंढते हैं लेकिन रहमत उनको नहीं मिलती है। तो पुलिस अमीना से रहमत के बारे में पूछता है लेकिन अमीना कुछ नहीं बताती है, तो वो पुलिस गुस्से में अमीना को थप्पड़ मारता है। तो ऑफिसर स्टीवर्ड उस पुलिस ऑफिसर को बाहर लेके जाता है और वो अमीना को समझाता है कि वो इस मामले से दूर रहे, क्योंकि अगर उनको पता चला अमीना ने रहमत की हेल्प की है तो वो लोकेशन कैफे बंद करा देंगे। तो अमीना स्टीवर्ड को बताती है कि उसे रहमत के बारे में कुछ नहीं पता है। ये सुन के स्टीवर्ड वहाँ से चला जाता है। और रात को जब ओमर और मरियम शॉप में थे तभी एक गोरा आदमी आता है गाड़ी की लाइट लेने के लिए, क्योंकि उसने एक अफ्रीकन को हिट किया था उसकी गाड़ी से जिससे उसकी कार की लाइट टूट गई थी। ये सुन के मरियम बहुत सैड हो जाती है। एक तरफ अमीना पुलिस के जाने के बाद रहमत को बाहर निकालती है कॉबर्ट से, और दूसरी तरफ मरियम किसी को ना बता के जाती है उस अफ्रीकन को हेल्प करने के लिए। फिर जब मरियम घर आती है तो ओमर उसे मारता है और उसे कहता है कि वो यहाँ उसके साथ रहने आई है, अफ्रीकन के साथ नहीं। अगले दिन मरियम अमीना के लिए एक बुक भेजती है और जैकोब जब पोस्ट ऑफिस जाता है तो एक गोरा लड़का उसका इंसल्ट करता है क्योंकि जैकोब ब्लैक है। तो मेडेलिन को बहुत बुरा लगता है। फिर मेडेलिन जैकोब को वो किताब देती है जो मरियम ने भेजा था और जैकोब वो किताब अमीना को देता है। तो अमीना किताब में पोएट्री देख के समझ जाती है कि ये मरियम ने भेजा है। और अमीना के घर में आलिस आते हैं उनका डिसीजन बताने के लिए, जहां आलिस मना कर देते हैं शादी के लिए। तो अमीना की दादी को ये बर्दाश्त नहीं होता और उनके दिल में दर्द होने लगता है। फिर वो मर जाती है। कहानी में आगे मरियम ओमर को अमीना के घर जाने के लिए बोलती है, अमीना को थैंक यू बोलने के लिए क्योंकि उसने रहमत की हेल्प किया था। तो रात को ओमर और मरियम जाते हैं अमीना के घर। तो मरियम अमीना से मिलने उसके रूम में जाती है, जहां अमीना उसे बताती है कि उसे ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जैसी है उसमें वो वैसी नहीं दिखती है। फिर अमीना उससे पूछती है क्या उसको पहले से ही पता था वो अपने पति के साथ पूरी जिंदगी बिताएगी, क्या वो ओमर से प्यार करती है। तो मरियम उसको बताती है नहीं, ओमर ने उसको प्रपोज किया था और उसकी फैमिली राजी हो गई थी इसलिए उन दोनों ने शादी कर लिया। फिर अमीना मरियम के फेस में वो चोट देखती है जो ओमर ने दिया था। तो अमीना उससे पूछती है कि उसको चोट कैसे लगी है, लेकिन मरियम उसे कुछ नहीं बताती है। फिर मरियम अमीना को नीचे आने के लिए बोलती है क्योंकि नीचे उसका पति इंतजार कर रहा था अमीना को थैंक यू बोलने के लिए। तो अमीना मरियम से पूछती है लेकिन क्यों, तो मरियम बताती है क्योंकि उसने रहमत की हेल्प किया था लेकिन उसने खुद पुलिस को बता दिया था क्योंकि पुलिस उसके बच्चे को लेके जा रहे थे। तो अमीना कहती है तुमने सही किया। फिर अमीना जब कपड़े बदल रही थी तो मरियम उसको देखती है, फिर साइड हो जाती है और अमीना से पूछती है कि उसने रिस्क क्यों लिया। तो अमीना बताती है कि उसको नफरत है पुलिस वालों से और उन लोगों से जो रंग भेद करते हैं। ये सुन के मरियम कहती है अगर मैं तुम्हारे जैसी होती तो अच्छा होता। ये सुन के अमीना मरियम के क्लोज आके कहती है तुम सोच लो अच्छे से तुम क्या बोल रही हो। फिर दोनों नीचे जाते हैं। अगले दिन अमीना जैकोब से कहती है कि वो कैफे में इंडियन फूड सर्व करना चाहती है। तो जैकोब उससे पूछता है कि खाना कौन बनाएगा क्योंकि किसी को भी इंडियन फूड बनाना नहीं आता है। तो अमीना कहती है उसने सोच लिया है खाना कौन बनाएगा। फिर अमीना मरियम के घर जाती है और उसे कैफे में इंडियन फूड बनाने के लिए कहती है, लेकिन मरियम मना कर देती है क्योंकि उसको शॉप देखना था और उसके पति को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सुन के अमीना कहती है कि ये ऑफर उसके लिए है उसके पति के लिए नहीं। तो अमीना उसे बस हफ्ते में दो दिन आने के लिए बोलती है। फिर वो मरियम को बताती है कि उसने एक अफ्रीकन की हेल्प किया था, इसका मतलब वो निडर है। ये सुन के मरियम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये बात सिर्फ उसके पति और उसको पता था। तो अमीना उसको बताती है कि उसने जिसको हेल्प किया उसको भी पता था और वो भी हमारी तरह बात कर सकते हैं। तभी वहाँ पे ओमर आता है। तो अमीना ओमर को बताती है उस ऑफर के बारे में। तो ओमर मना कर देता है लेकिन अमीना फिर भी कोशिश करती है ओमर को समझाने के लिए। तो ओमर चिल्लाता है और कहता है मरियम को गाड़ी चलाना नहीं आता है तो वो यहाँ से नहीं जा सकती है। ये सुन के अमीना कहती है कि वो उसे ड्राइविंग करना सिखा देगी। तो मरियम राजी हो जाती है और ये सुन के ओमर गुस्सा हो जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। फिर अमीना कहती है कि वो अगले हफ्ते से आएगी मरियम को ड्राइविंग सिखाने के लिए। ये बोल के अमीना वहाँ से चली जाती है। अगले हफ्ते ओमर जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तो वो मरियम को बताता है कि वो रात को केप टाउन में ही रुकेगा। और केप टाउन में जब फरा नहा रही थी तो वो किसी के आने की आवाज सुनती है। तो फरा सोचती है ओमर आया है क्योंकि उसका पति तो काम करने गया था।
तो फरा बाहर आके बिना देखे ही अपने कपड़े खोलने लगती है। फिर फरा सैड्रू को देख के कपड़े पहन लेती है। ये देख के सैड्रू शॉक हो जाता है। तो फरा सैड्रू से पूछती है कि वो इतनी जल्दी घर क्यों आया है। तो सैड्रू बताता है काले लोगों के एक्शन के वजह से मार्केट बंद है। ये सुन के फरा वहाँ से चली जाती है और सैड्रू सोचता रहता है। एक तरफ मरियम बार बार रोड को देखती रहती है क्योंकि वो अमीना की इंतजार कर रही थी, और दूसरी तरफ उमर जाता है उसके भाई के घर और फरा को बुलाता है, जिससे उसका भाई उठ जाता है नींद से। तो सैड्रू उससे पूछता है सब ठीक है या नहीं। तभी फरा आती है और झूठ बोलती है कि उमर यहाँ पे उन दोनों को सरप्राइज देने आया है। ये सुन के उमर भी झूठ बोलता है कि उसका काम जल्दी खत्म हो गया इसलिए वो यहाँ पे आया है। लेकिन सैड्रू समझ जाता है उन दोनों के अफेयर के बारे में। तो कुछ देर बाद अमीना आती है मरियम के घर। फिर अमीना मरियम को ड्राइविंग करना सिखाती है। तो वहाँ पे मरियम को पहले से ही गाड़ी के पार्ट्स के बारे में पता था। तो अमीना उससे पूछती है क्या उसको गाड़ी चलानी आती है। तो मरियम कहती है नहीं, अगर उसको पता होता तो वो गाड़ी चलाना क्यों सीखती। ये सुन के अमीना कहती है शायद मुझे देखने के लिए। फिर अमीना मरियम को गियर्स के बारे में बताती है। तभी उमर घर आ जाता है और रॉबर्ट से पूछता है मरियम कहाँ है। वैसे मैं बता दूँ, रॉबर्ट शॉप में मरियम को हेल्प करता था। तो रॉबर्ट बताता है मरियम ड्राइविंग लेसन ले रही है। ये सुन के उमर रॉबर्ट पर गुस्सा हो जाता है। और तब कार में मरियम और अमीना एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। फिर दोनों किस करते हैं। तभी पीछे से उमर आता है। तो मरियम अमीना से पूछती है क्या उसने देख लिया होगा। तो अमीना कहती है नहीं। तो उमर आके मरियम को कार से बाहर आने के लिए बोलता है, लेकिन मरियम बाहर नहीं आना चाहती थी। तो अमीना उसे जाने के लिए बोलती है और अगले हफ्ते आएगी ये भी कहती है। तो मरियम कार से उतर जाती है। फिर अमीना वहाँ से चली जाती है। तो उमर मरियम को बताता है कि उसने रॉबर्ट पर गुस्सा किया। ये सुन के मरियम उससे पूछती है कि वो सब पर गुस्सा क्यों कर रहा है। तो उमर बताता है कि वो अब फरा से नहीं मिल सकता है क्योंकि उसके भाई को पता चल गया। तो मरियम कहती है उसने उसको बहुत हर्ट किया है। तभी सैम और यास्मीन आते हैं स्कूल से। तो मरियम रोते हुए अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर चली जाती है। और कैफे में जैकब अमीना को बताता है कि उसने मेडलिन को इनवाइट किया है डिनर के लिए। तो अमीना पूछती है कि वो उसे कहाँ लेके जाएगा, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो जैकब को जेल हो सकता है। तो जैकब कहता है कि वो सोच लेगा अब, क्योंकि जैकब ने पूरी लाइफ वहाँ का रूल्स माना है लेकिन वो अब अकेले रहना नहीं चाहता है। तो अमीना उसे समझाती है और सावधान करती है। तो जैकब अमीना को बदलने के लिए मना करता है क्योंकि उसमें अमीना के वजह से ही हिम्मत आया है। तो अगले दिन अमीना मरियम के घर जाती है और उसके क्लोज होती है। तो मरियम कहती है कि वो ये नहीं कर सकती है क्योंकि वो शादीशुदा है और अमीना एक लड़की है। तो अमीना कहती है ये अच्छे रीजंस नहीं है। और मरियम से पूछती है क्या वो उसकी केयर नहीं करती है। तो मरियम बताती है कि वो उसकी केयर करती है, और जब भी वो अमीना को देखती है वो चाहती है वो उसके साथ हमेशा के लिए रहे। ये सुन के अमीना खुश हो जाती है और मरियम को आंखें बंद करने के लिए बोलती है। तो मरियम जब अपनी आंखें बंद करती है तो अमीना उसे सब भूल जाने के लिए कहती है और सिर्फ उन दोनों के बारे में सोचने के लिए कहती है। तो अमीना उसे किस करती है, लेकिन तभी बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो अमीना उसे उसके पास जाने के लिए बोलती है, लेकिन मरियम नहीं जाती है। फिर अमीना मरियम को उसके साथ जाने के लिए बोलती है, लेकिन मरियम मना कर देती है क्योंकि उसके बच्चे हैं। तो अमीना कहती है कि वो उसकी और उसके बच्चों के भी ख्याल रखेगी, लेकिन मरियम मना कर देती है। तो अमीना फिर भी ट्राई करती है मरियम को समझाने की, लेकिन मरियम नहीं समझती है और वो मना कर देती है। तो अमीना उसे पकड़ के रोती है, फिर वहाँ से चली जाती है। और रात को जैकब पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता है मेडलिन की, लेकिन तभी पुलिस आता है और मेडलिन से पूछता है कि जैकब गोरे लोगों की जगह पर क्या कर रहा है। तो पुलिस से बचने के लिए मेडलिन जैकब को अपना ड्राइवर बताती है। तो जैकब ड्राइवर बन के पुलिस के सामने से चला जाता है। और कैफे में अमीना से मिलने उसके पापा आते हैं और अमीना से पूछते हैं कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि अमीना 3 हफ्ते से घर नहीं आई थी। तो अमीना कहती है कि वो ठीक है। फिर उसके पापा उसको बताते हैं कि लोग बाहर उसके और मरियम के बारे में बातें बना रहे हैं। तो अमीना कहती है कि मरियम सिर्फ उसकी दोस्त है। तो उसके पापा कहते हैं कि इसीलिए वो उनको अवॉइड करते हैं। कहानी में आगे दिखाते हैं जैकब को, जो मेडलिन को घर छोड़ देता है। तो मेडलिन जैकब को उसके घर रुकने के लिए बोलती है, लेकिन जैकब मना कर देता है क्योंकि वो बहुत इंसल्ट फील कर रहा था और वो समझ भी गया था कि वो और मेडलिन कभी एक नहीं हो सकते हैं। तो जैकब रोते हुए वहाँ से चला जाता है। और अमीना अपने पापा को बताती है कि वो केप टाउन से जा रही है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उसको सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए।
ये सुनकर उसके पापा कहते हैं, अगर तुम यहाँ से चली गई तो उसको पता कैसे चलेगा तुमको कहाँ ढूंढना है। ये बोल के उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं और उमर घर जाके मिरियम से पूछता है क्या वो अभी भी ड्राइविंग लेसन लेती है या नहीं। तो मिरियम कहती है नहीं, लेकिन वो सीखेगी अगर वो काम करने जाएगी तो। ये सुन के उमर गुस्सा हो जाता है और उसे शॉप का काम करने के लिए बोलता है। तो मिरियम कहती है कि वो यहाँ भी काम करेगी और हफ्ते में 2 दिन वहाँ पे काम करेगी। ये सुन के उमर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है अगर वो बाहर जाएगी काम करने के लिए तो वो उसे डाइवोर्स देगा। ये सुन के मिरियम कहती है फिर बच्चों का क्या होगा। ये सुन के उमर गुस्सा हो जाता है और टेबल पलट देता है। और ये आवाज सुन के सैम और यास्मीन वहाँ पे आ जाते हैं। तो मिरियम उनको सो जाने के लिए बोलती है और उमर के पास आती है और उससे पूछती है कि वो क्यों नहीं चाहता। तो उमर कहता है जब उसने बोला है उसको पसंद नहीं है तो नहीं है। ये सुन के मिरियम कहती है कि ये मेरे लिए काफी नहीं है। तो उमर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मिरियम को मारने आता है, लेकिन मिरियम रोक देती है उसको और उसके साथ बात करने के लिए कोई अच्छा तरीका ढूंढने के लिए बोलती है। अगले दिन लोकेशन कैफे के बाहर कोई टॉप तोड़ देता है। तो अमीना को लगता है कि पुलिस ने तोड़ा होगा तो वो इसलिए देखने आती है, लेकिन वो देखती है वहाँ पे मिरियम को। तो मिरियम अमीना से पूछती है क्या वो वैकेंसी अभी भी अवेलेबल है। तो अमीना कहती है हफ्ते में 2 दिन। ये सुन के मिरियम कहती है अगर ये काम किया तो और भी। तो जैकब उन दोनों को देख के मुस्कुराता है क्योंकि उसको पता था उन दोनों के प्यार के बारे में। फिर मिरियम जैकब से बात करती है और कैफे के अंदर जाती है। तो अमीना बहुत खुश हो जाती है और यहीं पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। वैसे मैं बता दूं ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये मूवी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अमेज़न प्राइम वीडियो में अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नीचे कॉमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।